ई कॉमर्स क्षेत्र के प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के खिलाफ एक कारोबारी ने करीब 10 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। इंदिरानगर इलाके के कारोबारी नवीन कुमार ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ 12,518 लैपटॉप की आपूर्ति के एवज में भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। सचिन और बिन्नी के अलावा कंपनी के 3 अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को भी नामजब्त आरोपी बनाया गया है। इंदिरानगर पुलिस के नवीन कुमार की शिकायत के आधार पर 21 नवंबर को शिकायत दर्ज की थी। हालांकि फ्लिपकार्ट की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। नवीन कुमार ने शिकायत में कहा कि उनकी कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ बिग बिलियन डेज सेल के लिए करार के तहत जून 2015 से जून 2016 के बीच 14,000 लैपटॉप की आपूर्ति की थी। शिकायत में कहा गया कि बाद में कंपनी ने 1482 लैपटॉप वापस लौटा दिए, लेकिन बाकी बचे लैपटॉप के लिए भुगतान नहीं किया। जब पैसा लौटाने के लिए कहा गया तो फ्लिपकार्ट ने 3909 लैपटॉप लौटाने का झूठा दावा किया। शिकायतकर्ता का दावा है कि बकाया का भुगतान नहीं कर उसे 9,96,21,492 रुपए का धोखा दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।